बिहार के भीतर, चाहे वह चिराग पासवान हो चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों को ये बात पता है कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक एजेंडा से हट करके बनी है, उसको बरकरार रखना है। और भारतीय जनता पार्टी बाखूबी इस दौर में जानती है कि दोनों को अपनी राजनीति को अगर साधना है तो फिर उससे पहले अपने आंकड़ों को पूरा कर लिया जाए, और ये सारे सवाल धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो ऐसे में चिराग पासवान को कहना पड़ गया कि दरअसल ऐसा नहीं है, हमारा कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा, हम तो तमाम सारे मुद्दों के ऊपर साथ खड़े हैं और हमने अपने तौर पर विरोध नहीं किया, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे साथ खड़े हैं। ये सब कुछ कहने की जरूरत चिराग पासवान को क्यों पड़ी? सब तो NDA की साथी और सब तो NDA के सहयोगी हैं। जिसका आपने जिक्र किया हो, आपने जिक्र किया जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस आए थे जिसमें क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था, वर्गीकरण का जिक्र किया गया था, कैबिनेट की उस बैठक में मैं मौजूद था और ये स्वतः प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इस विषय को उस कैबिनेट की बैठक में उठाया गया था, जहां पे उन्होंने चिंता जताई इस बात को लेकर कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया है, वर्गीकरण का जिक्र किया गया है, और उस कैबिनेट की बैठक में हम सबसे सुझाव सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ इस बात का जिक्र किया कि आरक्षण के प्रावधान उसी तरीके से बरकरार रहेंगे जो व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण के दौरान जो व्यवस्था तैयार की थी। आज की तारीख में जो विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और सांसदों को लेकर, ये उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में इस दौर में। महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे नरेंद्र मोदी या फिर प्रधानमंत्री के साथ ये बात कहकर खड़े हुए कि आप बिहार में चुनाव जल्दी करा लीजिएगा। करीब करीब कहते हैं कि करीब 70-60% तो सहमति बन गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, जल्दी बिहार में चुनाव हुए नहीं बिहार के विधानसभा के। उसके बाद कहा कि हमको इतना पैसा चाहिए, ये प्रोजेक्ट चाहिए, बिहार राज्य का विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार में, वहाँ पे सड़कों का बनना था, अस्पतालों का बनना था, एयरपोर्ट का बनना था, एजुकेशन सेंटर का बनना था, लेकिन ऐलान कर दिया गया, पैसा नहीं पहुँचा। यही परिस्थिति चंद्रबाबू नायडू TDP के पास है। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी इस दौर में 16 सांसद हैं आंध्र प्रदेश में, 16 सांसदों को बढ़ाने के लिए इस दौर में YSR कांग्रेस को तोड़ा गया, हालांकि राज्यसभा के वो सांसद थे जिनको अपने साथ लेकर के आए। लेकिन यह एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि नज़र केवल उत्तर भारत या फिर ये कहे पूर्वी भारत के ऊपर नहीं बल्कि कहे दक्षिण भारत के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, और उसको ये बात पता है कि NDA गठबंधन के भीतर उसकी संख्या करीब करीब 240 है और उसके साथ खड़े लोगों की संख्या 53 सांसदों की, उसमें से 32 सांसद चाहिए, 53 में से 32 नहीं भी चाहिए तो भी 20 सांसद चाहिए, तो क्या जनता दल यूनाइटेड के 8 सांसद, LJP के 3 सांसद, शिवसेना के 4, RLD के 2, क्या इस तरीके से तोड़ के जोड़ते जोड़ते 15-17 और धीरे धीरे करके बात TDP तक पहुंच जाएगी? उनको तो राज्य पे राज करना है और केंद्र के भीतर बहुमत और आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहिए, तो उनके अनुकूल कैसे लोग बने रहेंगे, पैसा तभी वो देंगे। क्या ऐसी परिस्थिति के दिशा में NDA गठबंधन जा चुकी है या फिर जा रही है? सवाल केवल NDA भर का नहीं, NDA के भीतर का ये सवाल, भारतीय जनता पार्टी के भीतर से उठते ये सारे सवालों से जा चुका है। इसीलिए जब आज आपके साथ इन सारे बातों का जिक्र कर रहे थे तो एक ही झटके में आप ध्यान दीजिएगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद का जिक्र किया करते थे, राष्ट्र पहले जिक्र किया करते थे, 2014 में वो डेवलपमेंट भारत का जिक्र करते थे, बताते थे देश में कि कितना निवेशक पैसा कैसे आएगा कहाँ से और भारत प्रगति की राह पे कैसे आगे बढ़ चलेगा। इस दौर में जो कट्टर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, BJP के समर्थक है, उसका मिथ जो है नरेंद्र मोदी को लेकर के जो टूटा है वो सिर्फ योगी की तरफ कर रहा है। ये अलग बात है इस दौर में कि योगी की तरफ इस दौर में वो कट्टर लोग क्यों कर रहा है, क्या भारत की राजनीति में योगी का कोई योगदान इस भारत देश को बनाने बुनने को कुछ लेकर के है? 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जीत इसलिए मिल गई थी क्योंकि नोटबंदी हो गई थी, तमाम राजनीतिक दल के खजाने खाली हो गए थे, बीजेपी के पास हर ताले की चाबी था, उस दौर में बतौर मुख्यमंत्री योगी का नाम नहीं था,
लेकिन आरएसएस के कोटे से योगी मुख्यमंत्री बन गया 2022 आते आते एक ही झटके में हिंदुत्व और 80-20 का खेल जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था वो चला। और आप ध्यान दीजिए कि उनमें भी जबरदस्त शिफ्ट आए उत्तर प्रदेश के भीतर, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राह पर ही है। अब वो राह राष्ट्रवाद की दिशा में ले जाती है मुख्यमंत्री नीतीश योगी आदित्यनाथ। डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट का जिक्र करते हैं, राष्ट्र का जिक्र करते हैं, इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है, तो उसका रिजल्ट भी आज इस रूप में यहां पे प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी जितने भी यहां पर हमारे इन्वेस्टर आए हैं, मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने आपके साथ जो भी सरकार के कमिटमेंट है उसको धरती पर उतारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संकोच किसी भी स्तर पर नहीं होगा। सारी बैरियर हम असल में भारतीय जनता पार्टी का जो 15-20% का जो वोट बैंक है वो पूरे तरीके से उनके साथ डट करके, और नेता कोई भी हो वो 20% वोट सिर्फ उसी दिशा में जाता है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है, जो उसको साथ ले करके चले। इस दौर में सियासी सत्ता को बचाने के लिए, राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए कॉरपोरेट के प्रेम के साथ चलना या फिर सियासी तौर पर उन सारे नीतियों में यू टर्न ले लेना जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, और इसीलिए दुखी एक ही झटके में वह कोर वोटर इस देश का हो गया भारतीय जनता पार्टी के, और उसने तलाश शुरू किया। उसने ऐसे में योगी उस ध्रुव तारे की तरह भारतीय जनता पार्टी के भीतर निकल कर के आए, क्योंकि इस दौर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य दर राज्य हर नेता को खत्म करते चला गया। एक समय भारतीय जनता पार्टी के भीतर इंटेलेक्चुअली ध्यान दीजिएगा कि मॉडरेट तरीके से कितने सारे लोग हुआ करते थे। आज के दौर में ध्यान दीजिए, राज्य हो या फिर केंद्र हो, आप गिन लीजिए उंगली पर एक भी नाम आपको ऐसा मिलेगा नहीं जहां पर आप ये बात कह सके इसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़े होने को तैयार है। इस दौर में ना तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ना ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। आप इस दौर में ध्यान दीजिए उस पूरे लाइन में, पूरे लिस्ट में, और महाराष्ट्र में तो अपनी सरकार है नहीं, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग के आधार से फिट होते नहीं है। इस पूरे प्रकरण के भीतर में जो एक राजनीतिक और वैचारिक कंगाल वाली स्थिति थी उस दायरे में भारतीय जनता पार्टी को लाकर मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने लाकर खड़ा किया है, या फिर कहे मौजूदा आरएसएस से निकले हुए प्रचारक ने एक नई धारा के साथ खुद को एस्टेब्लिश बनाए रखने के लिए इन सारे लोगों को खड़ा किया। और उसी लाइन के भीतर आपने ध्यान दीजिएगा तो सबसे आगे योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे, और वो शिफ्ट जो है वो इंटरनली शिफ्ट हो रहा है। इंटरनली शिफ्ट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े चिराग पासवान, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार या चंद्रबाबू नायडू, कोई भी इस दौर में आप नाम लेते जाइए, क्या ये सारे के सारे लोग एक ही झटके में किसी दूसरे चेहरे के पीछे खड़े हो सकते हैं? अगर ये परिस्थिति महाराष्ट्र चुनाव से जाकर के अगर जुड़ गई है तो फिर ऐसे में इस सरकार की उम्र कितनी बची? उम्र का मतलब ये नहीं कि बीजेपी की सत्ता छिन गई, ये है कि एनडीए गठबंधन के भीतर का जो इस दौर में जो कुछ भी घमासान मचा हुआ है, हर कोई को ये बात समझ में आने लगा कि उसका अपना वोट बैंक खुद तैयार करना होगा। कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नीतियों के आश्रय इस देश में वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाया करता था, लेकिन उन्हीं का जब वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है, जो उत्तर प्रदेश के भीतर तक खिसक गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसका परिणाम साफ दिख गया, तो फिर दूसरे राज्य में कैसे लाभ मिलेगा? तो ऐसे लाभ नहीं मिलेगा तो अपना वोट बैंक बचाना पड़ेगा। तो वक्त बोध का सवाल हो, चाहे लेटरल एंट्री का सवाल हो, चाहे इस भारत देश के भीतर ब्रॉडकास्ट बिल हो, या चाहे इस देश के भीतर कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिसको लेकर के विपक्ष छोटा सा भी चोट कर दे अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वहां चाहिए फिर न्याय आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, यानी ये कहे कि एनडीए गठबंधन के भीतर बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीतिक हिल जाती है, उनका वोट बैंक छिटकने लगता है, तब उनको इस बात का अंदाजा होता है कि लड़ाई तो उनको आखिर में भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि जो विपक्ष के दल है, जो इंडिया गठबंधन है, उससे उनको लड़ाई लड़नी है। तो ऐसे में उनकी अपनी राजनीतिक जमीन को वो बचाएं या फिर इस सत्ता के साथ खड़े रहें, और इसी अंतर्विरोध का लाभ इस दौर में भारतीय जनता पार्टी या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता को बचाने के लिए जो कोई भी दिल्ली में बैठी हुई पोटरी उस विषाद को बिछा करके इस देश के भीतर एक एक प्यादे को चलने की स्थिति में आंकड़े बहुत कम चाहिए और जुगाड़ किए जा रहे हैं, क्योंकि कॉरपोरेट और पैसा साथ में सत्ता के साथ खड़ा है, और इस दौर में प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट देश भर के भीतर ऐलान लगातार किए जा रहे हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय